भाई साहब बालकनी में बैठे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? वडोदरा, तिलकवाड़ा तालुका। तिलकवाड़ा तालुका जाने? वो वडोदरा में है। तिलकवाड़ा? अरे तिलकवाड़ा वो तो बहुत दूर है। दूर है, यहाँ के नहीं रहने वाले? नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, तो आप ये बताइए कि चुटनी में क्या माहौल है? चुटनी में तो कहीं ये नहीं बराबर, ये तो थैसे चुटनी तो था मालूम नहीं। मालूम नहीं? ना खबर नहीं। वो ना वो छे? खबर नहीं, ये कोई खबर नहीं पड़ा? ना 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 खबर पड़ा। भाजप कांग्रेस झाड़ू ये तो गमे तो कोई आवश्यक पर हमने तो बात जो बात नहीं पड़ू ने अतु अतु हमने तो चुटनी था खबर पड़न। कोई बात ओ मैन, क्या नाम है आपका? विकी बेन। बोलो विकी बेन। हाँ विकी बेन, कहाँ रहती हो आप? कारेली। कारेली? अच्छा एक बात बता, कहाँ जा रही है? कारेली जवान वाली। थोड़ा बहुत हिंदी बोलती हो? ना यू नहीं आवड़ तो। अच्छा किसकी चुटनी में किसकी सरकार आओ छे? એવું ખબર નહીં, આપણે જેનો ભાવે તેના દેવાનું અમારું કહો, જેના વાગ્યો શીખો તેને ખરા અભણ હોય એટલે આપણે એવું જ ને રસનાલી ભાજપ આવો કે ઝાડું આવો એ બધી મજાક મારી આપણને નહીં પાવતી આ એ ના ભાજપ આવો ને ઝાડું આવો શરમ આવો હા શરમ આવે તું ક્યાં કરતો હો મેં પઢાઈ કરતા હું કોલેજ कॉलेज अरे अभी तो तू 10th का लड़का लड़का नहीं कॉलेज पहला सेम ग्रेजुएशन में हां बीए कर रहा बीए तो वोटर आईडी कार्ड बन गया नहीं बना अभी 18 साल का नहीं हुआ 18 साल नहीं हुआ पहला सेम है ना अभी तुम 18 साल हो गए नहीं 17 है तुम्हारा कुछ आजा वोटर आईडी तो बना नहीं होगा नहीं नहीं बना तो तुमको कुछ राजकारण में इंटरेस्ट है? है तो है, पैसे देते हैं, पैसे देते हैं। क्यों पैसे? वो रैली में निकलने के लिए। हाँ? वो निकलते ना रैली में, पैसे देते हैं। रैली में जाने का? हाँ जाने का। किसके रैली में जाने का पैसा मिलता है? वो सर भाजपा वाले के। भाजपा वाले रैली? अरे रुको इधर आओ। क्या बोले? सभी देते हैं पैसे रैली में जाने के तो। सब पार्टी वाले डलवाते हैं पेट्रोल 100-200 रुपए का और खाने पीने का भी पैसा देते नहीं पैसा नहीं देते वो जमनवारी रख देते हैं मंडाला डाल देते हैं उधर क्या मंडप डाल देते हैं सीधा खाने का खाने का तो सुनो किस किस पार्टी वाले ले जाते हैं सभी पार्टी वाले जब भी वो इस बार चुनाव में ले गए थे नहीं अभी रैली नहीं निकली आम आदमी की निकली है और कांग्रेस वालों की निकली है भाजपा वालों की बाकी अभी तो आम आदमी और कांग्रेस वाले ले गए थे वो तो पता नहीं हम तो बीजेपी बीजेपी में जाने का कांग्रेस में नहीं जाने का क्या मतलब भाजप में जाने का भाजप में भाजप की रैली में जाओगे कल है रविवार को पैसा मिला नहीं अभी तो कल पेट्रोल डलवा देंगे घूमने का पूरा दिन तो भाजप वाला डलवाता पेट्रोल डलवाता है पूरा टंकी फुल नहीं टंकी फुल नहीं 100-200 का डलवाता और कितना दूर घुमाता है पूरा जितना वो आगे डीजे चलेगा पीछे चलने का वो कहाँ गया वो तो चली गया हाँ जी आप कहाँ के रहने वाले हम है कारेली गांव में रहते हैं हमारा तालुका तिलकवाड़ा होता है हा? तिलकवाड़ा तालुका गांव कारेली है जिला कौन सा है नर्मदा अच्छा वो तो तुम्हारे जिले में क्या हाल है हमारे जिले में का हमको पता नहीं काम क्या हमको पढ़ाई करते हैं इसलिए अरे यार तो पढ़ाई वाले लोगों में भी बताओगे नए रोजगार पढ़ाई ये सब भाजपा सरकार में ठीक है या गड़बड़ है तो सभी तो कर दे ठीक होगा ठीक ही है चलेगा ना आप पैरों का भाव है बस सब कुछ चलता है कुछ नहीं होगा भाव बढ़ता है क्या करेगा अब गैस का सिलेंडर है तो भाजपा सरकार ही आएगी इतनी महंगाई है तब भी भाजपा सरकार ही आएगी क्यों भाजपा सरकार ही आएगी क्योंकि भाजपा सरकार का भरोसा है हम उसको वोट देंगे एक तरफ कह रहे हो महंगाई भी है हाँ वो तो महंगाई होनी है भाजपा सरकार ही आएगी क्यों आएगी अगर महंगाई है तो भरोसा है सरकार को क्या भरोसा
हम गरीब के लिए वो खेलूत को दो दो हज़ार रुपये देते हो और अभी धोवन होता है तो कोई भी नुकसान होता है सरकार हमको पैसे देती है। आज मैं रोडवेज पर ही जरा सा लोगों से बात करता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पारीखा, पारीखा गांव। तो आपके हिसाब से ये बड़ौदा में 10 में 9 सीटें बीजेपी की आई थी, इस बार कितनी आएंगी? मेरे हिसाब से 3 तो अभी कटेगी शायद, लग रहा है। एक डभोई की, पादरा की और वाघोड़िया की। पादरा की और वाघोड़िया की? वाघोड़िया, हाँ। ये प्रभु मधु श्रीवास्तव वाला और पादरा वाला वो दिनेश पटेल, दिनु मामा। हाँ, ये तो बड़ा पैसे वाले हैं। हाँ, पैसे वाला है, वो भी काम भी बोलता है ना उसका। इन लोगों का टिकट काट दिया बीजेपी ने? बीजेपी ने काटा, लेकिन उसका क्या काम बोलता है, जो काम देगा उसको सब पब्लिक वोट। दिनेश पटेल दिनु मामा का? हाँ, दिनु मामा का काम बोलता है वो, वाघोड़िया श्रीवास्तव का भी। वाघोड़िया का मधु श्रीवास्तव 6 बार से MLA थे, टिकट काट दिया। तो ये बताओ, ये जो बागी लड़ रहे हैं, ये बीजेपी को हराने का काम करेंगे या जीतने का काम करेंगे? वो क्या है, अंदर अंदर भी बीजेपी वाले को टिकट 10 जन ने मांगा होगा, तो एक को दिया तो 9 जन साथ में घूमेंगे, लेकिन अंदर खाएंगे वो वोट काटेंगे। ऐसा ही होता है। तो जो बीजेपी, अगर मान लो सीट उसकी कम आती है, तो फिर सीट कांग्रेस की आती है कि आम आदमी पार्टी की आती है? वो तो भाजपा की आएगी सीट तो कटेगा, ये 3 ही कटेगा लगता है मेरे को, ऊपर तो भाजपा ही आएगा, फिर जीत जाएगा भाजपा। हाँ, भाजपा जीतेगा। तब क्या कह रहे हो 3 कटेगा? वो तो ये 3 सीट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा माहौल चल रहा है उसकी बात। तो इस 3 में अगर भाजपा नहीं आती है तो कौन आता है? ये 3 में तो डभोई तालुका में कांग्रेस लग रहा है मेरे को, वो भी 49% अभी चल रहा है मार्केट। और करजन में भी अक्षय पटेल का भी नाम है, लेकिन वो भाजपा में अभी है अक्षय पटेल, लेकिन वो कांग्रेस का अभी माहौल उधर भी चल रहा है। और वाघोड़िया में तो मधु श्रीवास्तव का भी नाम ज़्यादा अच्छा है, वो काम ज़्यादा बोल रहा है उसका। सीट आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का नहीं है क्या यहाँ? आम आदमी पार्टी नहीं चलेगा।